एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो हम कर रहे थे अपना रिवीजन, एमसीक्यूज कर रहे थे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के, बायो के. और टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हिच इज़ इन द क्लास 11th. एंड वी आर डूइंग दिस रिवीजन फॉर द डिफरेंट मेडिकल एग्ज़ाम और टीचिंग के एग्ज़ाम्स और नीट की प्रिपरेशन के लिए ये आपको क्वेश्चन जो हैं बहुत हेल्प करेंगे. 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे और नेक्स्ट 16 से हमने स्टार्ट करना है. तो जिन्होंने पहली बार जो चैनल पे आए हैं, प्लीज वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को. तो लेट स्टार्ट द वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 16. एंड द 16th क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन. इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ द थायराइड हॉर्मोन. तो थायराइड हॉर्मोन यानी रेगुलेशन ऑफ अ बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR इंक्रीज करना, बिल्कुल सही बात है, रेगुलेट करना ये इसका काम है. इराइथ्रोपोइसिस, RBC की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प कर रहा है, बिल्कुल सही बात है. मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने में ये हेल्प कर रहा है थायराइड हॉर्मोन, बिल्कुल सही बात है. रेगुलेशन ऑफ डाइअर्नल साइकिल, जिन्होंने ये वर्ड सुना होगा उनको पता होगा कि ये स्लीप एंड वेक साइकिल है. स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन करने के लिए बॉडी में जो हमारे पास ब्रेन में पीनियल ग्लैंड है, दैट इज रिलेटेड टू द मेलाटोनिन का रिलीज करते हैं स्लीप एंड वेक साइकिल के लिए. तो ये वर्ड जो है वो थायराइड से रिलेटेड नहीं है. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, और 17th क्वेश्चन है PCT. PCT इज थायरोकैल्सिटोनिन, और थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो क्या करता है मैं नेक्स्ट बताती हूँ. इट इज सिक्रेटेड बाय, यहाँ पे पूछा है सिक्रीशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल. तो सही ऑप्शन है सी, हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है जो थायरोक्सिन को रिलीज करते हैं वो TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन को भी रिलीज करते हैं. और क्यों करते हैं, ताकि वो PTH का ऑपोजिट काम कर सके. PTH यानी पैरा थायराइड हॉर्मोन क्या करता था, कैल्शियम का जो लेवल है उसको इंक्रीज करता था ब्लड में, बोन्स में से भी कैल्शियम को उठा के ब्लड में लाके लेके आता है, किडनी में रीअब्सॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम की, ब्लड में डाल देता है. मतलब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करने का काम है PTH का, लेकिन इसके ऑपोजिट में काम करता है TCT जो कि हाइपोकैल्सिमिक है, हाइपोकैल्सिमिक. ठीक है, तो यहाँ पे PTH इज हाइपर कैल्सिमिक एंड TCT इज हाइपोकैल्सिम. ओके, सो यहाँ पे आंसर है थायराइड ग्लैंड जो रिलीज करता है, सिक्रीट करता है TCT को. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी PTH पैरा थायराइड ग्लैंड डू ह्यूमन पोजेस. तो यहाँ पे सही आंसर है 4. बच्चे आपके पास दो लोब्स होती है ना थायराइड ग्लैंड की, देर आर टू लोब्स. तो एक लोब के पीछे आपको दो जो है PTH देखने को मिलेंगे इस तरफ, दिस इज द फर्स्ट लोब. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज थायराइड ग्लैंड, मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया है. और दूसरी लोब के पीछे भी, दिस इज द सेकंड लोब. तो इस लोब के पीछे भी आपको दो जो है PTH देखने को मिलेंगे, पैराथायरॉयड देखने को मिलेंगे, यानी टोटल कितने हो गए 4. तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ PTH. तो PTH का मैंने आपको बताया उसने सारा काम क्या करके रखा है, कैल्शियम को इंक्रीज करना है. कहाँ इंक्रीज करना है, ब्लड में, लेकिन लेके कहाँ से आएगा, वो बोन्स की हेल्प लेगा, बोन्स में से भी उठा लाएगा कैल्शियम को, किडनी से रीअब्सॉर्प्शन करवा देगा कैल्शियम की, किडनी से उठा के ले आएगा कैल्शियम, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहां से भी एब्जॉर्प्शन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के थ्रू वो कैल्शियम को लेके आएगा ब्लड में. तो इसने इंक्रीज करना है कैल्शियम का लेवल, स्टिमुलेट करना है डीमिनरलाइजेशन को, स्टिमुलेट करना है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इन किडनी, रीएब्जॉर्प्शन करवाना है किडनी से. तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूस नहीं कर रहा. हमें यहाँ पे पूछा था विच इज नॉट द फंक्शन, तो यहाँ लिखा है रिड्यूसेस द कैल्शियम आयन रीएब्जॉर्प्शन, बल्कि ये हमेशा इंक्रीज करता है, रिड्यूस नहीं करता. तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, वॉट इज द शेप ऑफ द थायमस ग्लैंड. ऑलरेडी बता दिया आपको कि जो थायमस ग्लैंड है उसका शेप कैसा है, थायमस पूछा है यहाँ पे, थायरॉयड नहीं, थायमस का जो शेप है दैट इज बच्चे लोब्यूलर. आप थायमस ग्लैंड जैसे ही NCERT से रीड करते हैं ना, आपको फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा देयर इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द थायमस ग्लैंड.
एंड इट इज बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन द लंग्स, मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है थायमस ग्लैंड, ठीक है, इट इज बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम से पीछे, ठीक है, इन द मीडियास्टिनम। यहाँ पे ये भी नोट कर लेना, एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन में ही जब आप थायमस ग्लैंड पढ़ते हैं लोबुलर स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज, 21 पे पहुंच गए हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द थायमस। तो थायमस का क्या काम है, फंक्शन क्या है, WBC की फॉर्मेशन करना उसका काम है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, जब हम WBC यानी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तब हम लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं ना, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट इज डन विद द हेल्प ऑफ थायमस बच्चे, ठीक है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें फॉल्स पूछा है। अब थायमस ग्लैंड है तो थायमोसिन तो सिक्रीट करेगा, तो ये भी सही बात है। इट इज इंटेक्ट फॉर पर्सन ऑफ ऑल एज, ऐसा नहीं है, ओल्ड एज में इसकी जो जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। द ग्रोथ ऑफ द थायमस ग्लैंड और द डेवलपमेंट जो इसका काम है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, तो इट इज नॉट इंटेक्ट फॉर, इट इज नॉट इंटेक्ट लिखते तो बात शायद ट्रू हो जाती, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, तो मुझे फॉल्स स्टेटमेंट यानी मुझे अपना आंसर मिल गया है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, इट प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये बिल्कुल सही बात है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करना थायमस का काम है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना थायमस का काम है बच्चे, और थायमोसिन प्रोड्यूस करना थायमस का काम है, तो ये तीनों ऑप्शन सही थे, लेकिन ऑप्शन जो सी है दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 22nd पे पहुंच गए हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर आर द एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कि किडनी के ऊपर आपके पास प्रेजेंट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड, तो कहाँ है, अबव द किडनी, किडनी आर बीन शेप्ड, ये जो बीन शेप्ड किडनी है उसके ऊपर प्रेजेंट है मेरे एड्रीनल ग्लैंड, अबव द किडनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉट इज द डिजीज कॉज्ड बाई डेफिशियंसी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स में डेफिशिएंसी ऑफ उनकी डेफिशिएंसी हो तो कौन सा डिजीज होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड डिजीज है एडिसन डिजीज, मैंने किस तरीके से याद रखा है, एक ट्रिक बताती हूँ, आदि का जो बेटा है उसका नाम एड्रीनल कॉर्टेक्स है, आदि का जो बेटा है उसका नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स, इस तरीके से याद रखा है, एडिसन डिजीज इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ एड्री टू द इंजरी, इंजरी यहाँ पे वर्ड इंजरी लिखते तो ज्यादा बेटर होता, ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा इस तरीके से, इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एडिसन डिजीज। और कॉर्टेक्स में आपको पता है थ्री लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, और उनसे रिलीज होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, जो सिक्रीशंस हैं, वो पता होने चाहिए, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टिरोन, एंड्रोजन, ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जस्ट अभी बता चुकी हूँ, ऑप्शंस में आ रहा था, 21st क्वेश्चन था आई थिंक या 22nd क्वेश्चन था, कि टी लिम्फोसाइट की डिफरेंशिएशन कौन करता है, डिफरेंशिएशन इज डन विद द हेल्प ऑफ थायमस ग्लैंड, वो कर रहा था थायमस ग्लैंड, और मैंने वहीं पे बताया था कि थायमस ग्लैंड क्या प्रोवाइड करता है हमें, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वहीं बता दिया था, और थायमस ग्लैंड ही एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करता है, और एंटीबॉडीज हमें कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं एंटीबॉडीज, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कैटिकॉल अमीन इज सिक्रीटेड बाय, जिन्होंने एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा है उनको पता होगा कि कॉर्टेक्स में हमने डिवाइड करा था कुछ हॉर्मोन्स को, और मेडुला जो कि इनसाइड पार्ट था, अंदर वाला हिस्सा था एड्रीनल ग्लैंड का, उसमें हमने देखे थे कौन से हॉर्मोन्स, उसमें हमने देखे थे कैटिकॉल अमीन, कैटिकॉल अमीन हमने वहां पढ़े थे, कौन से होते हैं कैटिकॉल अमीन, एग्जाम्पल है आपके पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉन
एपिनेफ्रिन। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स थे, इनको ही हम कैटिकोल अमीन कहते हैं। तो इट इज एड्रीनल मेड्यूला से रिलेटेड है, कॉर्टेक्स के। तो अभी जस्ट अभी 24th वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कौन कौन सी एग्जाम्पल याद रखनी है। कॉर्टिसोल की एग्जाम्पल याद रखनी है, एंड्रोजन्स आपने याद रखने हैं, और एल्डोस्टिरोन आपने याद रखना है। दिस इज रिलीज्ड बाय द कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज हॉर्मोन वुड बी रैपिडली सिक्रेटेड इन अ मैन इफ ही वॉज चेस्ड बाय डॉग। कभी भी फियर वाली सिचुएशन हो, एमरजेंसी की सिचुएशन हो, फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन आपका हेल्प करता है, जिसको एमरजेंसी हॉर्मोन, एमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं हम। तो हमारे पास उसका आंसर क्या है, एपिनेफ्रिन। देन एट दैट टाइम ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी पाइलो इरेक्शन इज देयर। पाइलो इरेक्शन मतलब हम बोलते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए उस चीज, उस सिचुएशन को याद करके, उस सिचुएशन को देख के। तो पाइलो इरेक्शन यानी हमारी बॉडी के जो हेयर्स हैं आर्म्स में, हैंड में, वो इस तरह से खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, दैट इज ऑल इज डन बिकॉज ऑफ द एपिनेफ्रिन, जो है वो उस टाइम पे स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए रिलीज होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और ये किससे रिलेटेड था, एड्रीनल मेड्यूला जो है वो रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 27th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ कैटिकोल अमीन सिक्रीशन। नॉट अ इफेक्ट ऑफ, पाइलो इरेक्शन अभी बताया मैंने, प्यूपिल डायलेट कर जाता है, हमारी आंखें बड़ी बड़ी, हम आंखें खोल के देख रहे होते हैं ये कैसी सिचुएशन आ गई यार हमारे सामने। तो फियर की सिचुएशन है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं होती, ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो हमें ज्यादा चाहिए, हम सांस क्योंकि भाग रहे हैं तो सांस लेनी है हमें, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, मैंने कहा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, ग्लूकोज इंक्रीज कर जाता है ब्लड में, क्योंकि हमें तब एनर्जी चाहिए भागने के लिए, चाहिए ना, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, ग्लूकोज भी ज़्यादा चाहिए, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो मुझे सही नहीं लग रहा, इट इज़ नॉट इफेक्ट ऑफ कैटिकोल अमीन सिक्रेशन, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज सब्सटेंस डज नॉर एपिनेफ्रिन नॉट स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ, नॉर एपिनेफ्रिन नॉट स्टिमुलेट, किस चीज की ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो आपको पता है किस चीज की ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ऑब्वियसली ग्लूकोज की तो नहीं करेगा, क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है ब्लड में, लिपिड प्रोटीन और ग्लाइकोजन इन सब की ब्रेक डाउन होगी। तो यहाँ पे किसकी नहीं होगी पूछा था, इज नॉट स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ दैट इज ग्लूकोज विच इज रिक्वायर्ड इन द ब्लड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब कैसे याद रखना है, मैंने कहा था कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स के नाम याद रखने हैं, आप बायो के एक्सक्रीशन चैप्टर में आपने पढ़ा था ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वहां से भी ट्रिक है कि याद रख सकते हैं। यहाँ तो देसी तरीका ये है, गर्लफ्रेंड से याद रख सकते हैं, GFR से याद रख सकते हैं, कि जो आपका ग्लोमेरुलोसा है दिस इज द आउटर लेयर, ठीक है, एंड दिस इज द मिडल लेयर। तो आपके पास फेसिक्यूलेटा जो है दैट इज मिडल लेयर, एंड आपके पास जो थर्ड वाला है दिस इज द इनर लेयर। 1, 2, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, और अंदर वाली है रेटिकुलरिस, दिस इज द इनर लेयर। तो दिस इज द ट्रिक, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, हमें पूछा था आउटर, वी हैव ऑप्शन नंबर बी, हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टीरॉयड हॉर्मोन आर मोस्ट लाइकली बाइंड टू, वो किससे बाइंड करते हैं। आपको पता है स्टीरॉयड हॉर्मोन क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल, अगर ये लिपिड सॉल्युबल हैं तो आपको पता है सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, तो ये तो बनी हुई है लिपिड से, अगर लिपिड से बनी है तो आसानी से ये लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स पास हो जाएंगे, लेकिन इनके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, सेल के अंदर, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स जो हैं इनके पास होते हैं, ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है,
ऑपोजिट में कौन काम करेंगे, वाटर सॉल्युबल। आपको होता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ठीक है, वो अब लिपिड लविंग नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो वो पास नहीं करेंगे ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, इस तरीके से आपको याद। यहाँ पे पूछा था कि ये मोस्ट लाइकली बाइंड टू, तो दिख रहा है ना आंसर, ए ऑप्शन मुझे सही लग रही है क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया कि ये स्टीरॉयड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है, ये हार्मोन आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर पास हो जाते हैं, लेकिन फिर इनके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सो दे बाइंड टू द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बच्चे, प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड। थैंक यू।